सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी को जरूर दबाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। तो ये था बारात से एक दिन पहले का दिन, जिसमें मेरे लग चुकी थी मेहंदी फुल। मैंने भर के एंगेजमेंट मेहंदी लगवाई थी जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। उस पर मैंने लिखवाया था बाबा की रानी, क्योंकि मुझे पिक्चर्स लेनी थी और वो शूट आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे, जैसे जगह होता है उसी तरीके से हम लोग नाना के घर पर गए थे, जहाँ पर खाला जान की मेहंदी लग चुकी थी और उनके बहुत प्यारी सी मेहंदी लगी थी, जिस पर आप लोग ये देख सकते हो उमर लिखा था और शादी मुबारक लिखा था, कबूल है लिखा था, उमर की दुल्हन लिखा हुआ था, मतलब सब कुछ एक भी बार मेहंदी में लिख दिया था। बहुत 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 प्यारी मेहंदी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये उनके पैरों का डिज़ाइन था, अभी हाथ का दिखा रही हूँ, उमर की दुल्हन लिखा हुआ है। और ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था, बारीक मेहंदी भी थी, मोटी मेहंदी भी थी, मुझे बहुत पसंद आई ये मेहंदी। उसके बाद ये पैरों का डिज़ाइन था, आप लोग देख सकते हैं ये। और फिर उसके बाद वो अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें सुबह पार्लर जाना था क्योंकि कल बारात थी। तो ये ना बैंगल्स थे जो कि लटक के होते हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, इंडियन ब्राइड्स भी ये बहुत पहनती हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं। और उनके हाथ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये नथ बहुत प्यारी सी नथ थी जिसपे ये मोतियों का और स्टोन्स का काम हुआ था, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद था ये शरारा जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, रेड कलर तो लगता ही प्यारा, ये थोड़ा अनार से टाइप का कलर था। ये ज्वेलरी थी जो कि मैंने एक एक चीज़ को जूम कर करके दिखाया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख जाए। उस पर स्टोन का काम हुआ था, रेड और गोल्डन कलर की ज्वेलरी थी। और ये मैं अभी दुपट्टा दिखा रही थी जिसपे ग्रीन और सिल्वर और रेड ऐसे कुछ ये काम हुआ था, गोल्डन सा मोतियों का, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद ये हैवी सा गोल्डन कलर का पर्स था, क्लच शायद, हाँ क्लच ही था। और ये मैं अपने हाथों के थोड़े लश्कारे मार रही थी। और ये उनकी चूड़ियाँ थी, दोनों सेट मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दिए हैं। और फिर यह आता है शरारा जो कि बहुत हैवी सा शरारा था और बहुत ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वैसे ये व्लॉग बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन सुस्ती इतनी आ रही थी, इस वजह से व्लॉग अभी अपलोड हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है। खैर कोई बात नहीं, ऑल ओवर ये डिज़ाइन था। और ये इसका वो कुर्ती कह लें या शर्ट पीस कह लें, मतलब शर्ट थी। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का शूट किया था मैंने क्लिप, क्योंकि ये अम्मी के मेहंदी लग रही थी और फिर हम रात में घर आ गए थे। अब बारात के थोड़े से इंटरव्यू सुन लीजिए। बताएं आपको कैसा लग रहा है, आपकी बहन की शादी हो गई? तो कैसे लग रहा है आपकी बहन की शादी हो रही है? बहुत 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 खुश हूँ मैं, अल्लाह ताला सब लड़कियों का नसीब खोले, ज़्यादा अल्लाह ताला ने मेरे अपना को आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी आप बताएं, यार जाना नहीं। अम्मी आप बताएं आपको कैसे लग रहा है, आपकी बहन की शादी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो गई इसलिए आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपकी 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 कौन है आपकी? हाँ आपकी नंद की शादी हो गई। आपकी नंद की शादी हो रही है, दुआएं दें और भी कुछ बोले। कैसा लग रहा है खाला की शादी हो गई? आप बताएं आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन की शादी हो रही है? बताएं यार बताएं, चली गई भाग गए देखो। बताएं आपको कैसा लग रहा है आपकी आपकी है डर्टी वॉज फैंटास्टिक। बस आप बिरयानी फोड़े जा रहे अकेले अकेले मुक्ता गार्डन गार्डन हो दिल गार्डन, हमें मौका मिल गया बिरयानी खाने का। आपको कैसा लग रहा है आपकी खाला की शादी हो रही है? इनसे भी पूछा था, बस मुक्ता मिल गया या इन्होंने इन्होंने खाया इन्होंने इन्होंने खाए मैंने यार सिर्फ मीठा खाया।
हाँ जी, तो बारात का वेलकम हो रहा है, बारात बड़े जोर शोरों से आ रही थी और भाई जो थे ये वेस्ट कोट जो पहने हुए इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और फिर अब जी होती है के साथ फोटोशूट हो रहा था, ये पापा खड़े हुए हैं और बाकी सब भी खड़े हुए साथ में। तो फिर ये साइड पे जो था ये अपनी सिस्टर्स के साथ ग्रूम जो थे वो फोटोशूट करवा रहे थे। और एंड में आती है अनाज अब्दुल्ला। मैंने बलून मैक्सी पहनी हुई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद ब्राइड और ग्रूम का शूट हो रहा था और इसी के साथ साथ सब लोगों ने कहा था कि अब बस खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो खाना स्टार्ट होने वाला था। और ब्राइड और ग्रूम माशाल्लाह बहुत 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 प्यारे लग रहे थे, ये उनकी सिस्टर थी। और फिर उसके बाद अच्छा सीन ये हुआ था शादी में कि मैं इतना मतलब ब्लॉगिंग के चक्कर में रह गई और ना मैंने प्रॉपरली खाना खाया, ये वो थे और ये शादी में बात। तो खैर उसके बाद सब लोग ये खाना था, आप लोग अब पता तो है आप लोगों को क्या क्या है। तो खैर फिर सब लोग शादी के लिए ना मतलब खाना वगैरह खा रहे थे और मैंने कहा मेरा शूट नहीं हुआ, मैंने पिक्चर्स क्लिक नहीं करवाई थी। तो फिर ये था सीन के 10 बजे हॉल बंद हो जाते हैं, तो अब मैं इतना परेशान घूम रही थी क्योंकि कोई फ्री ही नहीं था जो मेरी पिक्चर्स क्लिक करता। फिर एंड में मेरे साथ जो सीन हुआ वो इतना बुरा सीन हुआ था ना, मैंने हाफ पिक्चर्स क्लिक करवाई मतलब 2-3 मैंने 2-3 पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं। पिक्चर क्लिक करवाने के बाद लाइट ऑफ कर दी थी, तो फिर मैंने बाकी सारी पिक्चर्स जो थी वो अंधेरे में क्लिक करवाई। और रोटी खुल चुकी है, शफीक अहमद और सारे रोटी खा रहे हैं। अब जी चलते हैं हम अपने बैग में। अंकल आप बताओ आपको कैसा लग रहा है शादी करके? और दुआएं भी दे, हमें भी दुआएं दे दे, आपका भी नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। कांग्रेचुलेशंस, आप भी कुछ बोलने बताएं, आप बोले आपको कैसा लग रहा है? बस इतना ही बोलते, मैं बहुत खुश हूँ। पहले खाला जाने तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुश और सलामत रखे। अब तो टाइम हो गया शादी को। कोई बात नहीं, लेकिन ब्लॉग तो अभी अपलोड हो रहा है। उसके बाद ये दुल्हन दुल्हा का खाना लगा था जो कि अम्मी खिला रही थी खाला जान को, और मैं जो थी वो रिकॉर्ड करने में लगी थी। जब कैमरा सामने होता ना तो खाया नहीं जाता, मैंने भी ये बात नोटिस की है। लेकिन जो शादी में नहीं होते कैमरा घुसा के आपके बस होता है कि आपको निवाला अंदर का भी पता चल जाए, वैसे वाला सीन जो होता है ना उससे मुझसे भी नहीं खाया जाता। लेकिन मैं वही काम कर रही थी शादी में और सब लोगों को जज कर रही थी मैं कौन कितना खा रहा है। फिर मैंने बाद में सबको रिकॉर्ड भी लगाया था कि कौन कितना खा रहा था। खैर उसके बाद ये पता नहीं क्यों मैं अपने हाथों के लश्कारे मारे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतने प्यारे लग रहे थे अपने हाथ, बस मैं बता नहीं सकती। खैर ये दूध पिलाई की रस्म हो रही थी जो कि मेरी कज़न्स ने की थी, मेरी छोटी छोटी कज़न्स ने की थी। बहुत मज़ा आता है ऐसे ना नेक और सलामी टाइप लेने में, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर ये वाली रस्में चल रही थी और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। हम पूरा कराची एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आप लोग भी मेरे साथ जाकर कराची एक्सप्लोर करें। आप लोगों को भाई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो फिर उस जगह पर घूमिएगा। तो जी चलते हैं अब मेरे शूट की तरफ। ये मेरा शूट हो रहा है, लाइट ऑफ हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सब लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने शूट करवाना नहीं भूला। मैंने ये एक पिक्चर क्लिक करवाने में मैंने इतनी टेक किए ना कि बस मुझे ऐसा लगता है अब तो मैं गिरी जाऊंगी। बस
लेकिन फिर भी मैं गिरी नहीं थी और मैंने शूट करवाया ही था अपनी, और वो पिक्चर्स मुझे बहुत प्यारी लगी थी जो इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ पे जाके लाजमी देखिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, लिंक ज़रूर देख लिया करो, ज़रूर देख लिया करो, और इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और मुझे अपनी मैक्सी इतनी हसीन लग रही थी, बलून मैक्सी थी, इसलिए मतलब मुझे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे पसंद इतनी है मैंने फिर भी ट्राई मार लिया था चलने का, और ना चक्कर ना आ जाए बाहर गेट पे चले जाना, आ जाओ बस, पता नहीं मैं कर क्या रही थी, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, वो बुला रहा, मैं अपना शूट करवाने के चक्कर में रह गई, वहाँ पर रुखसती स्टार्ट हो गई थी, जो हम लोगों को बाद में होश में लाया गया कि रुखसती भी होनी है, तो फिर हमने रुखसती के लिए मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने शूट किया, जो मेरे बड़े मामा थे वो बड़े मामा हैं वो सहरा बांध रहे हैं, और मैं तो पीछे खड़े ही देख रही थी, मुझे रुखसती वाला सीना बहुत अच्छा लगता है, बस पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। खैर ये रुखसती हो रही है और सहरा बंधाई हो रही है, इस टाइम पे ना सबसे अजीब का मुझे ये लगता है कि दुल्हन को सब इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, दूल्हे को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता होता। जी यहाँ पे इनकी मतलब हमारा वेडिंग सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है और इनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो अल्लाह पाक खुश रखे, हमेशा सलामत रखे, और मैंने एक मौका नहीं छोड़ा था शुगर लगाने का। अब रो रही है, मैं
अरे सुबह मिल लीजिएगा। और बस रुखसती के बाद सबका एक ही काम होता है, या तो कोई रो रहा होता है या तो फिर कोई खाने का अरेंजमेंट देख रहा होता है, तो फिर शादी की बातें हो रही होती है कि शादी में ये हुआ, शादी में वो हुआ, तो सारा ना एक ग्रुप बन के गॉसिप्स हो रही होती है, गॉसिप नहीं मतलब बातें हो रही होती हैं। फिर हम सब लाइट्स ऑफ हो चुकी थी सारी और हम लोगों ने खाना खाना था, तो अब सब खाने के लिए जा रहे थे और सब लोग अपने गिफ्ट्स वगैरह रख रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे। अब आधे लोगों ने खाना खा लिया था, आधे लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, तो मैं इतना व्लॉगिंग के चक्कर में लगी, मैंने खाना ही नहीं खाया यार। मेरी बहनें बराबर में बैठी बैठी खाना खा रही थी और मैं सबको बस शूट ही किया जा रही थी, या तो अपने हाथ के लश्कारे मार रही थी या तो मैं शूट कर रही थी सब लोगों को। फिर अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, ये बिरयानी थी, अब मुझे देख देख के कुछ कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम बिरयानी खा रहे थे, और आप लोगों को रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादातर चावल अच्छे लगते हैं, मुझे रोटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ। हाँ जी जनाब, तो यही थे आज की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वलीमे के ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, टू बी कंटिन्यूड होगा। वलीमे में अल्लाह हाफिज़।